गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप क्लास फर्स्ट में आपको आज नया लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन नंबर 13 है हमारे त्यौहार। कौन सा लेसन है? हमारे त्यौहार। दो प्रकार के त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार और एक धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्यौहार कौन सा होता है? धर्म से संबंधित है। राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं? जो हमारे देश में मनाए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। आपका ये लेसन है हमारे त्यौहार, इसमें चार त्यौहारों के बारे में बताया गया है, चार से पांच त्यौहारों के बारे में। सबसे पहले बताया गया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार, उसके बाद है होली। का त्यौहार है और होली रंगों का त्यौहार है, दशहरा पर रावण का
दर्शन हुए। तो भगवान शिव ने खुश होकर उनको वरदान दिया कि तुम बताइए क्या मांगना चाहते हो। तो राजा हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा कि मुझे मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं महादेव जी ने कहा, शंकर जी ने, शंकर भगवान ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, उस समय मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बताए। राजा ने कहा हिरण्यकश्यप ने, ना मैं सुबह मरूँ ना शाम को, ना दिन में मरूँ ना रात को, ना दिन में मरूँ ना रात को मरूँ, ना आदमी से मरूँ ना जानवर से मरूँ, ठीक है, ना नर से मरूँ ना नारी से मरूँ, ना किसी अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ। ऐसे उसने क्या कहते शिव शंकर से वरदान ले लिया। अब शिव शंकर ने उनको वरदान दे दिया। अब जब राजा हिरण्यकश्यप को, यह होली पे आधारित मैं कहानी बता रही हूँ, जब उन्होंने उनको वरदान दे दिया शंकर भगवान ने, तो उनको क्या आ गया, घमंड आ गया और वो आम जनता को परेशान करने लगे। अब आम जनता को परेशान करने लगे और क्या कहने लगे कि मैं ही आपका भगवान हूँ। आप लोग तो विष्णु के भक्त थे, भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप क्या कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। अब उसके राज्य में जो भी उसकी पूजा नहीं किया जाता था, उसकी नहीं करते थे, उसको दंड दे दिया जाता था। आप प्रजा डर के कारण उसे ही भगवान मानने लगी थी। आप काफी समय से बात बेटा, राजा हिरण्यकश्यप ने एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था। अब उन्होंने वो विष्णु की पूजा किया करता था, अब वो हमेशा विष्णु की पूजा किया करता था। जब तक छोटा था तो राजा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ वो बड़ा होने लगा, विष्णु की ही पूजा करता, तब राजा हिरण्यकश्यप ने उसको कहा कि जब मेरे राज्य में कोई भगवान को नहीं मानता तो तुम भगवान को कैसे मान सकते हो, तुम भगवान को कैसे मान सकते हो।